Hey guys, welcome to Delhi Soup. वो कहते हैं ना, प्यार में छोटी मोटी तकरार तो होती ही रहती है, लेकिन लगता है रमन और इशिता के बीच प्यार कम और बहस ज्यादा होने लगी है। तभी तो देखिए, एक बार फिर से ये दोनों उतर आए हैं जंग के मैदान में और एक दूसरे से कर रहे हैं बहस। लेकिन इस बार बहस का कारण बने हैं आदि। लगता है आदि ने भी ठान ही लिया है कि वो एक के बाद एक गड़बड़ करते जाएंगे और एक बार फिर से उन्होंने कर दी है एक गलती, जिसकी वजह से रमन और इशिता एक दूसरे से भिड़ गए हैं। तो चलिए इशी माँ से ही पूछते हैं कि इस बार उनके लाडले ने क्या गुल खिलाया है। आदि की वो हमेशा कुछ न कुछ कर देता है, मैं उसके सपोर्ट में हूँ दूसरों के सामने, लेकिन अपने घर के अंदर वो मेरा बेटा है और उसको बहुत डांट पड़नी चाहिए। उसने ए सर्टिफिकेट मूवी देखी है, एक्शन की ए सर्टिफिकेट मूवी देख ली उसने, एंड अगर वो सर्टिफिकेशन है वैसा तो उसको नहीं देखनी चाहिए या फिर हमसे पूछना चाहिए था। एंड द वर्स्ट इज वो पकड़ा गया है। बचपन में गलतियाँ तो सब लोग करते हैं, पकड़े नहीं जाते। अरे जिस बच्ची के साथ बैठ के वो देख रहा था वो एक्शन मूवी, जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा वॉयलेंस होगा मूवी में, इसीलिए मना किया जा रहा था, लेकिन उसके फादर ने देख लिया है। एंड उसके बाद में वो रमन के साथ इनफैक्ट वर्किंग पार्टनर है या शायद कुछ काम कर रहे हैं ये लोग साथ में, एंड काफ़ी रूड है वो इंसान, तो आदि को पुलिस में भेज रहा था। सो देयर इज अ लॉट ऑफ टेंशन। इशिता, हम तो जानते ही हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने बच्चों पर आंच नहीं आने देंगी, और जहाँ तक बात है सख्ती की तो वो माँ होने के नाते तो थोड़ी करनी ही पड़ती है। तो आप लोगों का क्या कहना है, क्या रमन इशिता के बिना आदि को सही रास्ते पर ला पाएंगे या फिर उनके ऐसे बर्ताव से आदि और मुसीबत में फंस जाएंगे? हमें अपने कॉमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। Hi, this is Raj Singh Arora. Hi, this is Divyanka Tripathi. And you're watching Delhi Soap. And you're watching Delhi Soap. To know more, hit the subscribe button below and share your views in the comments below.